I can use these clips as a study part. Blooper. Blooper reel बन रहा है छोटे इंटरव्यू में भी कोई बात नहीं. ठीक है देखो ये कि आपने कैसे तैयारी की, क्या क्या आपने रिसोर्सेज को फॉलो किया, क्या आपका माइंडसेट था, कहाँ पे आपके डाउन आए, कहाँ पे आपको फील हुआ कि भाई अपन तो भगवान है गेट का. ठीक है तो वो सारा कंसाइज वे में ऑडियंस को बताएं. ठीक है तो आई मीन जो तीन ब्रैकेट बात की आपने तो आई फिट इन ऑल दोस थ्री ब्रैकेट्स. तो उन तीनों ब्रैकेट में फिट होने का मतलब ये है कि मैंने थर्ड ईयर में भी गेट दिया था. ऑब्वियसली उतना सीरियसली नहीं दिया था, नहीं तो कुछ तो उस टाइम पे भी आता, लेकिन दिया था. गेट 2021 था ये मेरा, बिकॉज आई एम 2022 का बैच हुआ. तो बिकॉज ऑफ दैट आई गेव गेट 2021 विदाउट मच सीरियसनेस. देन गेट 2022 दिया था, दैट वॉज माई आई कंसिडर दैट एज माई फर्स्ट अटैम्प्ट, बिकॉज उस टाइम मैं डेड सीरियस था कि आई हैव टू गिव गेट. एंड देन 2023 जिसके बाद यहाँ पे मैं हूँ आपके साथ ही हूँ. सो आई फिट इन ऑल दोज थ्री ब्रैकेट्स. एंड अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताऊँ तो जस्ट टू गिव इन ग्लिम्स कि मैं कितना अन सीरियस था, वट एवर इज़ द एंटीथेसिस ऑफ सीरियस. गेट 2021 के टाइम पे मैंने आई थिंक अबाउट टोटल मिला के मैंने अबाउट 5 days प्रिपेयर किया था उसके लिए. और उन 5 days में मैंने जो किया था वो बस इतना था कि आई प्रिपेयर्ड द स्केड्यूल जो मैं फॉलो करूँगा, ठीक है, सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. दैट वाज माय ओनली प्रिपरेशन दैट आई डिड फॉर गेट 2021. बट जब मैं गेट 2021 के एग्ज़ाम में बैठा और एग्ज़ाम का पेपर ख़त्म हुआ, फिर मैं बाहर आया. ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब मैं एग्ज़ाम में बैठा हुआ था तो द फीलिंग दैट आई हैड इन माय माइंड इज कि जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे सारे क्वेश्चन पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि यार ये कॉन्सेप्ट तो ज़रूर पढ़ा हुआ है, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ये भी कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है. तो एवरीथिंग फेल्ट कि दीज आर फेमिलियर थिंग्स, जस्ट दैट इनका लेवल ऐसा है और देयर फ्रेमिंग इज सच दैट और जस्ट दैट आई एम नॉट प्रिपेयर्ड. अगर मैं प्रिपेयर्ड होता तो दिस वुड हैव बीन अ कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग, बिकॉज आई वुड हैव अप्रोच देम इन अ स्पेसिफिक वे. इवन इन दैट पेपर जब मैं गेट 2022 के लिए प्रिपेयर कर रहा था, आई वॉज लुकिंग बैक एट 2021 का क्वेश्चन, आई वॉज लाइक यार ये मैंने तब कैसे सॉल्व कर लिया, देयर वॉज दिस सम क्वेश्चन, तो वो फील होता था. तो बट दिस वॉज द सीरियसनेस आई हैड दैट टाइम. लेकिन फिर बिकॉज वो पेपर देने के बाद जो फील हुआ कि आई कुड हैव इजीली डन इट. तो जब आप ये भी पूछ रहे हो कि व्हेन डिड यू फील कि अपन ही है गेट के जो हैं, तो उस टाइम पे ये थोड़ी बहुत फीलिंग आई थी यार कि ये तो मैं फोड़ दूंगा. ठीक है, एंड आई थिंक वो थोड़ा फीलिंग होना इज नॉट ईगोटिस्टिकल एट ऑल, इट्स नॉट नार्सिसिस्टिक एट ऑल, बिकॉज वो चाहिए आपको. अगर आप में सेल्फ कॉन्फिडेंस ही नहीं है और अगर आप चाहते हो कि सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना, तो उससे थोड़ा ज़्यादा होना भी इज़ गुड, बिकॉज वो गेट का जब आप प्रिपेयर करोगे ना वो नीचे आएगा. तो अगर आप यहाँ से चालू करोगे और यहाँ होगे, इट्स बेटर कि आप यहाँ से चालू करके यहाँ आ जाओ. ठीक है, तो गेट 2022 के टाइम पे जो हुआ, ठीक है, सो आई वॉज इन माई थर्ड ईयर ड्यूरिंग 2021-22 के टाइम में मैं फोर्थ ईयर में था और 2023 के टाइम में मैं फुल रिपीट कर रहा था. और 2022 के टाइम पे बिकॉज आपने जॉब वाले एस्पिरेंट्स को भी काउंट किया है, तो आई वॉज वर्किंग इन एन इंटर्नशिप व्हाइल आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर 2021. सो आई फिट इन ऑल दोस थ्री फैक्टर्स समहाउ. तो जैसा कि आपने अब बोला कि कॉन्फिडेंस होना इम्पोर्टेंट होता है, लेकिन या ऑफ कोर्स अगर तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है दैट विल समहाउ टर्न इनटू योर ईगो. राइट, ठीक है. तो या अगर आपके पास कॉन्फिडेंस थोड़ा है, अगर आपके मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप समझ ही लो कि भाई हम ही सब कुछ हैं. ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर देयर इज ऑलवेज अ बिगर शार्क देन यू. ठीक है, और हिमांशु भाई आपको तो होगा पता, ये सेम चीज़ IIT में भी है. ठीक है, जैसे आपके लिए कोई और होगा बिगर शार्क, मेरे लिए आप हो. ठीक है, तो हर जगह कोई ना कोई बड़ा होता ही होता है. बट द पॉइंट इज कि आप अपने ईगो को हटाकर उस इंसान से सीख पा रहे हो. इफ यस देन यू आर द परफेक्ट गाय इन दैट सिचुएशन. अगर नहीं सीख पा रहे तो अपने आप को सोचो यार ये क्या है, क्यों नहीं सीख पा रहा, क्या ये मेरी ईगो बीच में आ रही है, क्या मेरे को मन नहीं है सीखने का, ठीक है, क्या मैं डर रहा हूँ, कोई भी बात है. ठीक है, लेकिन उस चीज को हटाकर उस कॉन्फिडेंस को कम करके, जैसे मानसू भाई ने बोला कभी ऊपर होता है तो कभी नीचे होता है, उसको प्रॉपर लेवल पे लाकर कि ताकि ऐसा भी ना हो कि हम हर वक्त दूसरों से ही सीख रहे हैं और हमें फील हो रहा है कि यार हमें तो कुछ आता ही नहीं है क्या. ठीक है, एक बैलेंस बना के रखना इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इन द गेट एग्जामिनेशन. ओके, तो ये तो हो गया कि आपका मोटिवेशन क्या था और आपने कैसे मतलब ईयर बाय ईयर अपनी तैयारी की. ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन इज कि ओके सबसे पहले तो ये कि आपने रिसोर्सेज क्या फॉलो किए, कौन से इंस्टीट्यूट का आपको अच्छा लगा कि यार ये बढ़िया पढ़ाते हैं, यार ये इस एस्पेक्ट में बढ़िया पढ़ाते हैं,
जैसे कि मतलब आप भी गोगल असिस्ट की हो, मैं भी गोगल असिस्ट हूँ, तो उनकी एक बात बहुत अच्छी है कि वो काफ़ी डीप में जाती हैं चीज़ों को। ऑन द अदर हैंड साइड मेडइजी की अच्छी बात ये है कि उनका जो कोर्स है वो काफ़ी कंसाइज है, ठीक है, 30 वीडियो में प्रॉपर एक सब्जेक्ट खत्म, सो दैट्स अ गुड थिंग। बट लाइक आपकी क्या इसमें विचार है कि आप क्या समझते हो? तो टू बी ऑनेस्ट मैं डेप्थ प्रेफर करता हूँ, बिकॉज वही पॉइंट था मेरा गेट का जो मोटिवेशन मेन था वो ये था कि आई वॉन्टेड हाउ टू लर्न। तो बी टेक में आई वॉज डूइंग प्रिटी वेल, ठीक है, आई वॉज ऑन टॉप ऑफ माई क्लास फॉर मोस्ट ऑफ द टाइम। सो दिस इज नॉट टू से, बट द पॉइंट इज कि वो होने के बावजूद भी देर वॉज स्टिल दिस फीलिंग कि आई हैवंट लर्न द थिंग्स दैट आई वॉन्टेड टू लर्न द वे आई वॉन्टेड टू लर्न। एवरी सब्जेक्ट हैज़ इट्स अप्रोच। अगर आप एल्गो पढ़ रहे हो तो इट्स नॉट कि आपने एल्गो सीख लिया हो गया, हाउ यू आर अप्रोचिंग एल्गोरिथम, ठीक है, हाउ कैन यू क्रिएट न्यू एल्गोरिथम, व्हाट इज़ द डिफरेंट मेथोडोलॉजीज, तो उसका भी सीखने का अपना तरीका है। इवन जो आप बोल रहे हो कि मैंने थ्योरी पढ़ा था, थ्योरी पढ़ने का भी एक तरीका है। इट्स नॉट दैट कि हर चीज़ आप प्रैक्टिकली करने का मतलब ये नहीं कि आप हाथ चला रहे हो, या फिर हर चीज़ करने का ये मतलब नहीं है कि आप जो है जब तक उसको रन करके नहीं देखोगे, ठीक है। तो देर आर सर्टन थिंग्स जिनको आपको एक स्पेसिफिक तरीके से अप्रोच करना है। सिस्टम्स यू विल अप्रोच दैट वे, मशीन लर्निंग और इंटेलिजेंट सिस्टम विल अप्रोच इन अ सर्टन वे। मैथमेटिक्स आप मैथमेटिकली भी चीज़ें कर रहे हो, आप प्रोग्रामेटिकली भी चीज़ें कर रहे हो, एल्गोरिथम यू विल अप्रोच इन अ मोर थियोरेटिकल वे, बट वो भी एक अप्रोच करने का अपना तरीका है। सो एवरीथिंग जो कि बीटेक में हमारा क्या होता है, बिकॉज वी आर स्टडिंग मोस्ट थिंग्स थियोरेटिकली, तो वो एक फाउंडेशन बन जाता है कि सारी चीज़ें आपको इसी तरीके से अप्रोच करनी है। ओएस भी पढ़ रहे हो तो भी आप इसी तरीके से अप्रोच कर रहे हो, ये भी पढ़ रहे हो तो आप इसी तरीके से अप्रोच करो, बट जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं हमारे तो उनको अप्रोच करने का तरीका शुड बी कम्प्लीटली डिफरेंट, और वो चीज़ यहाँ पे आपको सिखाई जाती है, ठीक है। हर एक सब्जेक्ट का जितनी भी हम वी हैव टेकन 4 to 5 सब्जेक्ट्स अराउंड, सबने वैसे ही लिए, ठीक है, 1 इज कम्पल्सरी, तो 3 to 4 लेट्स से ऑप्शनल सब्जेक्ट हमारे। हर एक सब्जेक्ट जो हम पढ़ रहे हैं, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन द अप्रोच दैट वी आर टेकिंग फॉर दो सब्जेक्ट? बहुत कम चांसेस है कि वो, ठीक है, सॉफ्टवेयर लैब माइट बी समवट इंटरसेक्टिंग विद DECS जो कि डिज़ाइन एंड इंजीनियरिंग है सिस्टम्स का। जनरल केस में तो हाँ, जनरल केस में एवरी सब्जेक्ट हैज़ अ डिफरेंट अप्रोच, तो हर चीज़ को अप्रोच करने का तरीका क्या होना चाहिए, दैट इज समथिंग दैट वन हैज़ टू लर्न। जब गेट दे रहे हो तो इस चीज़ पे भी ध्यान दो कि कैसे मैं सीख रहा हूँ। 100% क्योंकि इवन इन गेट आप किसी चीज़ को आप थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन पढ़ते हो तो इट्स नॉट थियोरेटिकल, आप समझ रहे हो कि वो थियोरेटिकल चीज़ है, लेकिन उसी थ्योरी से ही निकल के जो डिजिटल कंप्यूटर है, सुपर कंप्यूटर है, क्वांटम कंप्यूटर है, एवरीथिंग हैज कम आउट ऑफ इट। इट्स अ वेरी गुड पॉइंट। एवरीथिंग हैज कंपाइलर इज अ डायरेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, डायरेक्ट यूजेज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। जो आप पार्सर लिखते हो, जो आप लेक्सर लिखते हो, दैट इज थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन। सेम मॉडल्स, फाइनाइट ऑटोमेटा, लिनियरली बाउंड ऑटोमेटा, दीज आर द थिंग्स। Beyond the gate examination, 100% practicality उसी से निकलेगी ना, कहाँ से निकलेगी। और यही चीज है जो आपको, जब आपको IIT मिल जाएगा, जो कि 100% मिलेगा, जब आपको IIT मिल जाएगा ना, उसके बाद यही चीज होगी जो आपको एकदम अलग बना देगी बीट से, ठीक है। बिकॉज हम लोगों ने क्या होता है, मतलब इंक्लूडिंग मी एज वेल, हम लोगों ने किया होता है, हम लोगों ने गेट को अपनी लिमिट मानी होती है कि मैं जो कुछ पढ़ रहा हूँ वो मेरे गेट के लिए है, गेट खत्म फिर मुझे फर्क नहीं पड़ता। जो भी मैंने पढ़ा कि यार ये चीज इस डेप्थ तक पढ़नी इंपॉर्टेंट है, बाकी गेट भी नहीं आएगी तो वो छोड़ दी, ठीक है, ये नहीं करना है। इफ यू हैव टाइम, अगर टाइम नहीं है देन यू कैन डू दैट, अगर टाइम है, ठीक है, देन जितना डीप में जा सकते हो ना उतने डीप में जाओ। बट ऐसा भी ना हो कि तुम्हारा मतलब 3 महीने 4 महीने एक ही सब्जेक्ट पे जा रहे हैं, एक इनफ डेप्थ तक जाओ कि जब तुम्हें फील लगे कि हाँ यार अब मुझे आ रहा है, मतलब से इंट्यूशन की ओके जो OS में पेजिंग हो रही है वो कैसे हो रही है। मैं जब रात को सोता हूँ मेरे को वो सपने में आती हैं चीज़ें कि ओके पेट ट्रांसफर हो रहा है, वो चीज़ें तुम्हें पता है। ऐसा ना हो कि तुम सोच रहे हो कि यार TLB क्या होता है, यार ये क्या होता है, वो क्या होता है, वो चीज़ों की समझ है, और जब तक वो आ रही है तब तक वो सब्जेक्ट तुम्हारा प्रॉपरली तैयार हो रहा है। ओके तो हिमांशु भाई एक और बात बताओ कि जब आपका कोर्स हो रहा था, ठीक है, ऑफकोर्स आप उसके साथ साथ अपनी रिविजन कर रहे हो, ठीक है, तो व्हाट्स योर स्ट्रेटजी, कैसे आप रिविजन करते थे? तो देखो, पहले जब मैंने गेट 2022 के लिए प्रिपेयर किया था तो 2022 के टाइम पे माय अप्रोच वाज अ लॉट लीनियर। तो अप्रोच ऐसे था मेरा कि मैं कोर्स कंप्लीट किया मैंने, देन आई डिड रिवीजन, जस्ट बिकॉज मैंने कोर्स अच्छे से कंप्लीट नहीं किया था। अच्छे से कंप्लीट करने मतलब जिस तरह की अंडरस्टैंडिंग मुझे चाहिए थी गेट के सब्जेक्ट्स की वैसी नहीं थी, तो आई हैड टू कंटिन्यूसली रिवाइज, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें मुझे मान लेनी पड़ी थी कि ये चीज़ है मैं रट लेता हूँ, क्योंकि मेरे पास टाइम की बहुत कमी थी। एंड दैट हैपन्स, अगर आपके पास टाइम की कमी है तो यू हैव टू मग अप समथिंग, ठीक है, बट जब आप उनके पीछे की रीजनिंग समझोगे तब देन दे स्टिक विद यू। लेकिन इफ यू आर मगिंग अप तो आपको वो
फिर से रटना ही पड़ेगा क्योंकि मुझे याद रहती नहीं है चीज़ें, तो रटना फिर से रटना पड़ेगा फिर से रटना पड़ेगा। तो आई वॉज कंटिन्यूसली रिवाइज, एक रिवीजन किया जैसे ही खत्म हुआ थोड़े दिन बाद 5-10 दिन के गैप पे फिर से। वो शॉर्ट टर्म में होगा ना आपके? हाँ, वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में चाहिए तो फिर आपको चीजों के logic, पीछे का लॉजिक समझना पड़ेगा, टू अंडरस्टैंड द लॉजिक थ्रू आउट। अगर वो थ्रू आउट यहाँ से चीजें यहाँ तक नहीं अगर आपकी जा रही कहीं भी बीच में गैप, तो ये आपको रटना पड़ेगा। अगर आप वो रट रहे हो तो फिर भूलोगे। तो मैंने उस तरीके से किया था, बट सेकेंड टाइम जब मैंने किया तो मुझे आई रिवाइज फॉर ओनली वंस, क्योंकि इंटरव्यू बहुत ही ज्यादा हाई जाने वाला है, दिस इज 100% श्योर। इतना आप इंसाइट्स दे रहे हो ना, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ गेट एस्पिरेंट। अगर गेट की स्टार्टिंग में ये सब कुछ दिमाग में हो ना, वन कैन अचीव अ ग्रेट लाइन। देखो पॉइंट ये होता है ना कि इस इंटरव्यू इन इंटरव्यूज का पॉइंट ही क्या है कि आप मेरी मिस्टेक से, आपकी मिस्टेक से, किसी जो जिन्होंने क्रैक किया गेट उनकी मिस्टेक से आप समझो कि ये चीज़ें अब मुझे नहीं करनी, ये चीज़ ये मेरे अप्रोच से सिमिलर लग रहा है, ये बंदा लग रहा है कि मेरे जैसा ये भी होगा, तो मैं इसका थोड़ा पाथ थोड़ा बहुत फॉलो कर सकता हूँ। ऑब्वियसली मेरा अपना पाथ जो होगा वो तो होगा ही, थोड़ा बहुत इसके रास्ते में मैं चल सकता हूँ, ठीक है। तो वही है कि मिस्टेक्स अवॉइड करना। तो सेकंड टाइम व्हेन आई डिड आई रिवाइज ओनली वंस, क्योंकि मैंने कंसेप्चुअली चीज़ों को अच्छे से समझ लिया था, ठीक है, बिकॉज आई हैड दैट कंसेप्चुअल डेप्थ। तो एंड वो कंसेप्चुअल डेप्थ आते आते मेरा नवंबर तक आ गया था टाइम, ठीक है। एंड क्योंकि मैंने जो 2023 की प्रिपेरेशन की वो जून जुलाई से चालू की थी, और मैंने बोला कि पिछला जो भी प्रिपेयर किया था हटाओ इसको, मुझे नहीं जाना, क्योंकि वो मैं क्योंकि अगर मैं ऐसे करता ना कि मैंने बहुत कुछ प्रिपेयर कर लिया, मैं बस वो गड्ढे जो बीच बीच में छूटे हैं यहाँ से यहाँ गया फिर यहाँ से आगे गया, ये जो गड्ढा बचा सिर्फ वही भरने बैठ जाऊँ, तो वो फिर दिक्कत हो जाती मुझे, क्योंकि वो एक लाइन में चीज़ें नहीं होती है। तो इसीलिए मैंने बिल्कुल ज़ीरो से किया कि मैं डिस्क्रीट मैथ प्रोपोजिशनल लॉजिक से चालू करूँगा। वो वैसा टॉपिक है जो लोगों को लगता है कि यार इसमें क्या ही है, प्रोपोजिशनल लॉजिक कितना सिंपल है। तब भी आपने वो चीज को बैठ के देखा कि यार अगर कुछ होगा डाउट तो वो निकल जाएगा, लेकिन मैं देखूंगा क्यों, क्योंकि फिर जब मैं पढ़ा तब मुझे पता चला कि ये बाय इम्प्लीकेशन तो डेफिनेशन के लिए यूज करते हो, क्यों डेफिनेशन होता है किसी चीज को, अगर मुझे डिफाइन करना है तो वो बाय इम्प्लीकेशन क्यों होना चाहिए। ये सारा जो डेप्थ है ये जीरो से जब आप चालू करते हो ना, इसीलिए मुझे जुलाई से लेकर नवंबर तक का टाइम सिर्फ अपने कॉन्सेप्ट जीरो से लेके 100 तक ले जाने में, 100 तो ऑब्वियसली किसी का नहीं होता, हाँ तो समवेयर अराउंड 90-95 जो भी हो अपना, तो वहाँ तक ले जाने के लिए मैंने उतना टाइम दिया। फिर दिसंबर के टाइम में मैं रिवाइज भी करता था, उसी टाइम पे मैं वो भी करता था अपना जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन टेस्ट, हाँ ऑल दीस थिंग्स दैट आई डिड। आप ये मान के चलो कि आपका अभी तक ये रैंक नहीं आया 60, ठीक है, और आपके सामने सेम दूसरा हिमांशु आ गया, ठीक है, तो जो आपने मिस्टेक्स की थी ना, आप उसको क्या एडवाइस दोगे कि भाई 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 ये गलतियां मत कर, ये मेरे ये तू करने जा रहा है, ठीक है, ये मत कर कि ताकि उसका उसी साल 16 आ जाए। तो पहले तो अगर मेरे सामने दूसरा हिमांशु आ जाएगा तो मैं शक्ल देख के डर जाऊंगा इतनी गंदी शक्ल, ठीक है। बट ऑन अ सीरियस नोट, अगर मुझे 2022 के टाइम पे ये होता, इंकलिंग होती कि मैं कुछ मिस्टेक्स अवॉइड कर सकता हूँ, तो वो ये होता कि बिकॉज 2022 के टाइम पे जब मैं प्रिपेयर कर रहा था आई रिफर्ड यूट्यूब वीडियोज़ मोस्टली, क्योंकि मेरे पास बहुत छोटा टाइम था तो मैं बुक्स पढ़ नहीं सकता था जो मेरा प्रेफर्ड मेथड होता, और ना मैं कोई कोचिंग ज्वाइन कर सकता था जो मैंने 2023 में किया। आई एज यू सेड कि हम दोनों गो क्लासेस के प्रोडक्ट हैं, तो वो 2023 में जैसे मैंने किया तो आई कुडंट डू दैट इन 2022। और उसका एक प्रॉब्लम ये भी होता है बिकॉज वन ऑफ द की स्टार्टअप जो हमारा होगा गेट देने वाला, दैट इज़ गोइंग टू बी जॉब जो कि पीपल हु आर ऑलरेडी वर्किंग इन जॉब्स, राइट, सो अ लॉट ऑफ द एस्पिरेंट्स आर गोइंग टू बी पीपल जो कि अभी जॉब कर रहे हैं, तो उनके पास ये टाइम क्रंच बहुत होगा, जो कि मुझे भी हुआ था, बिकॉज एट दैट टाइम जब मेरा मैंने गेट 2022 के लिए प्रिपेयर किया आई वॉज वर्किंग ऑन एन इंटर्नशिप, तो मेरा टाइम क्रंच होता था। एंड जैसा कि आप जानते होंगे थोड़ा बहुत, तो अब तक हम लोग एक दूसरे से फेमिलियर हो चुके, तो आपको पता होगा कि अगर मैं कोई काम करने बैठता हूँ और अगर मुझे वो काम पसंद है तो फिर तो मैं रुकूंगा नहीं उस काम को करने के लिए, तो रात के 4-5 बजे ये फर्क नहीं पड़ता फिर उससे। तो वही जॉब में भी था बिकॉज आई वॉज डूइंग समथिंग इंटरेस्टिंग, एंड तो वो मेरा जो 8 घंटे का शिफ्ट होना चाहिए आइडियली, वो मैं खींच के 10-12 ऐसे भी कभी कभी चले जाता बिकॉज वो काम इंटरेस्टिंग था, वो मैं एक बार चालू कर दिया तो छोड़ नहीं सकता। एंड आई वुड प्रिपेयर फॉर गेट अराउंड 3-4 आवर्स इन जो भी मेरे पास दिन में टाइम बचेगा, तो 3-4 घंटे के लिए मैं प्रिपेयर कर पाता था। तो अगर मुझे उस टाइम पे खुद को कोई एडवाइस देनी होती तो मैं बोलता कि जो काम कर रहे हो वो तो करते रहो, बट जो 3-4 घंटे हैं वो इस तरीके से यूटिलाइज करो कि कम भी पढ़ो
लेकिन अंडरस्टैंडिंग 100% नहीं तो 90% नहीं तो 80% इस तरह की रखो। ये जो रटने वाला है उससे माइंड पे बहुत स्ट्रेस पड़ता है, बिकॉज आपको चीज़ें याद रखनी, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो चीज़ों को, आप बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं हो, आपको सरफेस लेवल नॉलेज है और आप वो याद रख के चल रहे हो, तो कोई आपसे पूछेगा तो एक मिनट आपको सोचना पड़ेगा, फिर जो रटा रटा है वो आंसर देना पड़ेगा, तो वो रटने में बहुत प्रेशर पड़ता है दिमाग को, तो वो काम तो मत ही करो। ज़्यादातर क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे होते हैं गेटों पर जो सीधा बोल देते हैं कि आप बुक पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है, और ये सेम दिक्कत आती है बुक में। हमने बुक पढ़नी शुरू की, हमें कुछ समझ आया कुछ नहीं आया, लेकिन हमारे दिमाग में था कि भाई मुझे आज 2 पेज कंप्लीट करने हैं भाई समहाउ, ठीक है, और वो हम सीखते नहीं है ढंग से, ठीक है, बस हम उसको पढ़ते रहते हैं। और वही चीज़ जो आपने बोली कि कम पढ़ो, लेकिन जो आप पढ़ रहे हो ना आपकी उसको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग उसकी होनी चाहिए। इट्स अ वेरी वेरी गुड पॉइंट। तो हिमांशु भाई, एक और था मेरे मन में डाउट कि आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे क्या? किए थे प्रीवियस ईयर, किए थे क्वेश्चन सॉल्व, एंड थोड़ा मैंने कम टाइम दिया। मैं थोड़ा एडवाइस करूँगा कि टाइम थोड़ा और लेने के लिए उसके लिए, क्योंकि मैंने जैसे बताया कि नवंबर तक मैंने 2023 के टाइम पे सिलेबस अपना कंप्लीट किया, एंड देन दिसंबर में मैं ऐसे करता था कि 2 दिन के गैप में, यानी कि एवरी थर्ड डे आई वुड गिव मॉक टेस्ट, ठीक है, तो मैंने सिर्फ एक ही मॉक टेस्ट की भी सीरीज एक ही थी मेरे पास, गो क्लासेस वाली, गो क्लासेस एज एन गेट ओवरफ्लो प्लस गो क्लासेस वाली, उसमें भी आप टॉप करते थे नहीं वहाँ पे है जब भी देखो सबसे ऊपर नाम हिमांशु दत्ता, नहीं नहीं ये तो कोई भी रिफ्यूट कर देगा, शिवाशीष वो फिक्स लोकेशन रहता था, शिवाशीष उसके नीचे जहाँ आप लोकेशन, कुछ लोग भगवान होते हैं वो भगवान है, उनका नाम सिर्फ ऐसे करके लेते हैं, वो उस्ताद है, वो उस्ताद है, बस उनके आगे बढ़ते हैं, हम इंसानों के फील्ड में आ भी थे जो भी, बट वैसे करता था मैं कि दो दिन के लिए मैंने मॉक्स दिए, सॉरी मॉक्स नहीं सॉरी प्रीवियस ईयर किए, एंड देन द थर्ड डे आई वुड गिव मॉक, एंड वो थर्ड डे पे आई वुड यूटिलाइज ऑलमोस्ट 6 to 8 hours फॉर दैट मॉक, क्योंकि 3 घंटे तो मॉक देने का ही पीरियड है आप उसी सेम दिन पे ना, हाँ उसी सेम दिन पे 9 to 12, बिकॉज हमारा जो निकला था वो 4 noon का था, सुबह का था स्केड्यूल गेट 2023 का, तो सुबह के स्केड्यूल में जस्ट टू मेक इट अ हैबिट उसी स्केड्यूल में मैं मॉक देता था, एंड 1.5 घंटे मैंने ब्रेक लिया, आई यूज टू कुक, मैं खाना वाना बना लेता हूँ, तो मैं बिरयानी जाके नीचे, बिकॉज मैं घर पे ही था तो नीचे जाके जहाँ पे मतलब है वो है मतलब एस्टेब्लिशमेंट है मदर फादर का मेरे, तो वहाँ जाके कुक किया मैंने, बिरयानी बनाई, बिरयानी खाई, वापस ऊपर आया, एंड देन फॉर द नेक्स्ट 4 to 5 hours, बिकॉज 3 hour का मॉक, देन 4 to 5 hours के लिए मैं वो करता था, वो मॉक में मैंने क्या किया है, क्या नहीं किया है, क्या गलत किया है, क्या सही किया है, इन्होंने जो ऑप्शंस दिए वो ऑप्शंस स्पेसिफिकली क्यों दिए, ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स आई यूज टू लुक एट। लास्ट क्वेश्चन जो ऑफ कोर्स ऑडियंस के दिमाग में भी होगा और मेरे दिमाग में भी है, और जो भी होगा हम सबको, अभी तो नहीं मतलब फरवरी में जाकर होगा, जब आपका गेट एग्जाम हो गया था, जब आपने आखिरी क्वेश्चन मार्क किया, जब आपका टाइमर खत्म हो गया, जब स्क्रीन भी ब्लैंक हो गई और आप एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे थे, तब आपके अमन में क्या आया कि अरे तो बिल्कुल खराब हो गया या फिर अच्छा गया या फिर मीडियोकर गया, उस समय क्या फील था आपके मन में? पहले मैं थोड़ा सा मैं बैक ट्रैक करूँगा, 1 मिनट ज़्यादा नहीं लूँगा, लेकिन बिकॉज दिस इज़ इंटरेस्टिंग, तो गेट के एग्ज़ाम हॉल में जाते टाइम माय फादर ड्रॉप्ड मी ऑफ गेट के सेंटर पे, बिकॉज मैं घर पे था, आई वाज आल्सो एट होम, ठीक है, तो ही ड्रॉप्ड मी ऑफ, तो आई हैड 3 songs इन माय माइंड, बिकॉज कुछ लोग होते हैं ना जो एग्ज़ाम में जाते हैं तो उनके दिमाग में गाना चल रहा है, वो मैं ही हूँ, मेरी दिमाग में गाना चल रहा होता है। कौन सा गाना? ठीक है, तो आई हैड 3 songs इन माय माइंड, एक था इफ़ आई रिमेंबर करेक्टली, एक वॉज आई थिंक स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, दिस इज़ बाई पिंक फ्लॉयड, अ सॉन्ग बाई पिंक फ्लॉयड, स्वीट चाइल्ड ऑफ माइन, देन देर इज़ इमिग्रेंट सॉन्ग, दिस इज़ बाई इमिग्रेंट सॉन्ग इज़ आई थिंक बाई लेड ज़ेप्पेलिन, ओके, देन द थर्ड सॉन्ग वॉज थोड़ा ये दोनों से ही अलग है, यूं ही चला चल रहा ही, दिस इज़ फ्रॉम द मूवी स्वदेश। तो okay. इन तीनों गानों को एक पेन पेपर पे लिख लो, जब गेट एग्जाम होगा तो ये तीन ही सुन के जा रहे हैं। नहीं तो आई डिसाइड कि इन तीनों में से कौन सा लेके जाना है, तो आई वांटेड कि थोड़ा या तो वो कि लोग सोच रहे हैं कि आधार कार्ड लेके जाना, पेन लेके जाना, ये सोच रहे हैं कि कौन सा गाना लेके जाना, तो द फर्स्ट टू वर थोड़ा एग्रेसिव कि मैं बैटल के लिए जा रहा हूँ, द थर्ड वन वॉज थोड़ा सूदिंग कि यूं ही चला चल रहा है, तो आई प्रेफर्ड कि मैं कामली जाऊँगा, ठीक है, तो वो कामनेस मुझे चाहिए थी अपने पूरे उसमें ड्यूरेशन में, तो ये फन ऐसे ही ट्रिविया बता दे, लेकिन कीप योर सेल्फ काम, वो है पॉइंट, बिकॉज वो जो 3 घंटे का टाइम है ना, दैट इज़ गोइंग टू मेक और ब्रेक यू, पिछले जो 8 महीने 10 महीने से आपने किया तो दैट विल मैटर लेस, वो जो 3 घंटे हैं
अगर उनके उनसे कंपेयर करो, अगर हम लोग ऐसे वेट उनको असाइन करें तो 50-50% अराउंड हो जाएगा, वो इजीली हो जाएगा 50-50%, क्योंकि वो 3 घंटे की मेंटालिटी आपकी बहुत कुछ डिसाइड कर देगी। ठीक है, आपका तो, आपका हर रोज उठकर पढ़ना, ठीक है, और आपका एक दिन ऐसे ही जाकर एग्जाम देना, ठीक है, ये दोनों सेम लेवल पे होने चाहिए। गेट को ऊपर मत समझना, नहीं तो प्रेशर आ जाएगा कि भाई आज मेरा एग्जाम है, जैसे उन्होंने बोला यूं ही चला चला रहा है। तो जैसे मैं रोज उठता हूँ अपने काम करता हूँ, वैसे ही मैं आज उठाऊँ और मैं जाऊँगा गेट एग्जाम देने। वो आप बिल्ड ही करते हो ना, आप मॉक्स क्यों देते हो? सुबह में उठ के अगर 9 से 12 का टाइम है, 9 to 12 है, आप उसी पीरियड में बैठ के मॉक क्यों देते हो? यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर दोस 3 आवर्स, वी आर मेकिंग श्योर कि जो आपका वो 3 घंटे है वो आपका काम रहे। ये तो नॉर्मल है, जैसे मैं हर रोज देता था वही मैं वही परफॉर्मेंस आज भी मेंटेन, बस वो स्ट्रीक है, लीनियरली चल रही है, आगे बढ़ेगी चीज। नाउ कमिंग टू योर क्वेश्चन की निकलने के बाद क्या हुआ, तो एग्जाम पेपर खत्म हुआ, कामनेस था दिमाग में, बिकॉज मुझे पता था जो मुझे आता था वो तो मैंने कर दिया भाई, अब तो मैं क्या ही करूँगा, और क्या ही हो सकता है। और मैं जैसे बताया कि मेरी मेमोरी मेरा साथ देती नहीं है, तो एग्ज़ाम में कौन से क्वेश्चन थे वो भी मुझे बहुत कमी कमी याद आ रहे थे। मैं एग्ज़ाम हॉल थोड़ा मतलब ऐसे रस्ता था कि एग्ज़ाम हॉल जहाँ मैं बैठा था वहाँ से गेट के बाहर निकलना, बिकॉज माई फादर अगेन ही वॉज पिकिंग मी अप, तो वहाँ से लेके गेट तक आया मैं, उतने देर में मेरे दिमाग में चल रहा था कि क्या किया, क्या क्वेश्चन थे, क्या लिखा, क्या मैंने क्या सही लिखा, आपको अच्छा गया कि बुरा गया? उस टाइम तक मैं फीलिंग के बारे में सोच ही नहीं रहा था। उस टाइम तक मैं ऐसा सोच रहा था कि क्वेश्चन क्या किए मैंने, क्वेश्चन क्या मार किए, जस्ट कि मैं जब रूम पे जाऊँ और कोई यूट्यूब पे आएगा, दीपक सर आएंगे, सचिन सर आएंगे, अभी क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, तब सोचेंगे कि अच्छा गया कि बुरा गया, अभी नहीं, आंसर याद तो रहने चाहिए उसके लिए। तो वो दिमाग में याद कर रहा था कि ये मैंने मार्क किए होंगे। तो अपने पेरेंट्स को क्या बोला बाहर तक कि कैसा गया, इसीलिए मैंने ये बोला कि वो रास्ता मैंने थोड़ा लंबा था, उसमें मैं ये सोच रहा था। जैसे ही मैं बाहर आया एग्जाम हॉल से, माई फादर वॉज स्टैंडिंग थोड़े दूरी पे, वो आ रहे थे देखने की एग्जाम खत्म हुआ कि नहीं, एंड आई लुक्ड एट हिम, ही लुक्ड एट मी, ही स्माइल्ड, आई स्माइल्ड, बस उतने में फिर मैं भूल गया, सारी चीज़ें भूल गया, फिर वो खत्म हो गया। क्योंकि वो गेट का आप, अगर आपको पता है कि आपने की है चीज़ें तो भी आप भूल सकते हो, अगर आपको पता है आपने नहीं की है चीज़ें तो भी आप भूल सकते हो। देन आई मेड अ जोक कि उन्होंने पूछा कैसा गया, आपने भी पूछा कि ये पेरेंट्स का यही क्वेश्चन होता तो क्या बताया, तो उन्होंने पूछा कि कैसा गया, तो मैंने बोला कि इट्स अ जोक, इट्स अ कंप्लीट जोक, नथिंग शैड एंड फ्रॉइक अबाउट इट, कि मैं किसी से जल नहीं रहा या मैं किसी के लिए बुरा नहीं सोचा, लेकिन मैंने बस ये जोक किया कि मैंने तो जोक किया बस अब दूसरों के अच्छे ना आ जाए क्योंकि रिलेटिव होता है गेट का स्कोर वगैरह सब रिलेटिव होता है, तो आई जस्ट जोक की दूसरों का अच्छा ना आ जाए, बट सबका अच्छा हो, सब अच्छा करे, जैसा जिसका पोटेंशियल है दे विल ऑब्वियसली गेट अकॉर्डिंग टू दैट। सब इडियट्स में होता है ना, वो उसको दो ही रास्ते बता दे, या तो खुद के लिए आओ या दूसरों के लिए खराब करो। जी नहीं, वो तो ऑप्शन रहता नहीं है गेट में हमारे पास कि दूसरों का खराब करो। ब्यूटीफुल आंसर है, मतलब आइडिया इज कि गेट जब आप दे रहे हो तो इट शुडंट बी अ स्ट्रेसफुल जर्नी फॉर यू, यू शुड एंजॉय। अगर आप पढ़ना एंजॉय कर रहे हो ना तो इट विल बी अ केक वॉक फॉर यू, इट विल बी अ जॉय राइड, ठीक है, एंड यू हैव टू मेक इट दैट, क्योंकि वो तो अगर आप उसको बैटल की तरह समझ रहे हो तो वो तो बैटल है ही नहीं। आप फिर यहाँ आओगे, आप आईआईटी बॉम्बे आओगे, जैसे उठ रहे हो वैसे ही जाके गेट, हाँ, समझना नहीं है उसको, क्योंकि फिर आप आईआईटी, आपको आईआईटी बॉम्बे आना है, आपको आईएससी जाना है, आपको आईआईटी कानपुर जाना है, मद्रास जाना है, दीज आर प्रेस्टिजियस कॉलेजेस, दे डिमांड अ लॉट आउट ऑफ यू, गेट तो टीजर है, एंड इफ यू फील कि ये जो गेट है बहुत ऑसम सी चीज़ है तो भी वो नहीं है। इफ इट्स अ बैटल, यू हैवंट सीन द बैटल येट, इफ इट्स अ जॉय राइड, इफ इट्स अ केक वॉक, अगर आप समझ रहे हो कि दिस इज ब्यूटीफुल तो वो भी आपने नहीं देखा। आप आई टी बॉम्बे आओगे तब आपको पता चलेगी कितनी ब्यूटी है यहाँ। सोच होनी चाहिए, हाल से कि सोच होनी चाहिए, जितना ज़्यादा से ज़्यादा सीख सको उतना सीखो, एंड एज आई सेड कि वही मिस्टेक जो मैंने बताई कि ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में आप अच्छे से नहीं पढ़ रहे, तो आपको अच्छे से पढ़ना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, क्योंकि क्या होगा कि आप गेट 2022 दोगे, हो सकता है आप अगर आप ज़्यादा पढ़ लेते तो जस्ट ऐसा होता कि ज़्यादा पढ़ लेते और डेप्थ में नहीं पढ़ते तो हो सकता है यू माइट हैव गॉटन 500, ठीक है, बट बिकॉज आप डेप्थ में पढ़ रहे हो लेकिन कम पढ़ रहे हो सकता है आप 1000 ले आओगे, यू विल बी इन द 1000 ब्रैकेट और 2000 ब्रैकेट, बट जस्ट बिकॉज आप 1000-2000 ब्रैकेट में हो और आपकी डेप्थ है ना, आप नेक्स्ट टाइम दो, आप गेट 22 के बाद 23 दोगे, 24 दो दे रहे हो इस बार, तो आप 25 भी दे सकते हो, गेट एज रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा था, अच्छी बात है, तो आप जब 25 दोगे तो वो जो आपने डेप्थ में पढ़ा है ना दैट इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रीमली हेल्पफुल। वो जो आप डिस्क्रीट मैथ पूरा समझ के पढ़ोगे, एंड डिस्क्रीट मैथ इज समथिंग जो कि हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं आ जाता है, वो घुसता है, उसकी आदत है घुसना, तो वो हर एक सब्जेक्ट में हर एक जगह पे कहीं ना कहीं इट विल फैक्टर है, सो इट इज गोइंग टू फैक्टर है,
सो डेप्थ में पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, और बिल्कुल लोड नहीं लेना है. यू इट्स नॉट अ बैटल. एज आई सेड कि कुछ लोगों को लगता है इट्स अ बैटल, इट्स नॉट अ बैटल. इट्स अ इंटरमीडिएट पॉइंट इन अ ब्यूटीफुल जर्नी, बिकॉज आपको उसके बाद आना है यहाँ पर. यहाँ आओगे नहीं तो ISC जाओगे, कहीं तो जाओगे, अच्छी जगह भी जाओगे. यू आर गोइंग टू इंटरेक्ट विद लॉट ऑफ इंटेलेक्चुअल पीपल, उनके इंटेलेक्ट से आप कुछ सीखोगे, उनको आप कुछ सिखाओगे. एवरीबडी नोज समथिंग हियर, सो यू आर हेयर टू लर्न. तो अल्टीमेटली योर गोल शुड बी दैट. अगर आप कहीं जा रहे हो और सीखना ही इज द एंड थिंग दैट यू आर गोइंग टू डू, वाई नॉट मेक इट अ हैबिट. गेट में भी उसको एक हैबिट बना लो, मेक लर्निंग अ हैबिट. यहाँ भी आके वही करना है, सो डू दैट. क्या बात है, मज़ा आ गया आपसे बात करके. ठीक है, सो लेट्स वाइंड इट अप. थैंक यू सो मच. ठीक है, चलो, अच्छा लगा बात करके. ठीक है, ऐसे ही लोगों को मोटिवेट करते रहो. आई मीन मोटिवेशन भी ज़रूरी है, बिकॉज ऐसा ही सेट कि ऊपर नीचे होता रहेगा, तो हमें कहीं एक लेवल करना है, तो ये चीज़ें मोटिवेट करती हैं. हम भी जब अपना प्रिपेयर कर रहे थे, तो आपने भी बहुत लोगों की वीडियो देखी होगी पुराने टॉपर्स की, मैंने भी देखी, वो बहुत मोटिवेट करता है. बिल्कुल, पता चलता है ना कि क्या है उस साइड में. गेट जब खत्म हो जाए उस साइड में क्या है. बिल्कुल, कि हम लोगों के मन में कुछ नहीं है, बस एक बात दिमाग में है कि कम पढ़ रहे हो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जितना पढ़ रहे हो ना उसको ढंग से पढ़ना चाहिए. वही आपको IIT में हेल्प करेगा, वही आपको गेट में हेल्प करेगा, और वही आपको मतलब आपके लाइफ में इन जनरल वही है. यस, आपकी लाइफ में प्रॉपर आपको हेल्प करेगा. सो विद दैट गोल्स इन माइंड, बेस्ट ऑफ लक फॉर गेट 2024 एंड 2025. ठीक है, हम दोनों आपका IIT बॉम्बे में वेट कर रहे होंगे, और कुछ और लोग हैं जो आपका ISC में वेट कर रहे होंगे. वो डिबेट लंबा खिंच जाएगा, कौन कहाँ वेट कर रहा है, वो लंबा डिबेट है बाद में किसी और. बिल्कुल बिल्कुल, कौन कहाँ वेट कर रहा है वो लंबा खिंच जाएगा. सो टिल नाउ हम इस वीडियो को बंद करते हैं. एंड या अगेन थैंक यू सो मच महर्षि भाई फॉर द